तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मेरा नाम है दुर्गेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डेडिंग टेक। फ्रेंड्स, यूट्यूब ने बहुत ही बेहतरीन 5 अपडेट लाए हैं और वो अपडेट क्या क्या है आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स का जो ऑप्शन ऐड किया है वहाँ पे पहले जो है ट्रेंडिंग सेक्शन का ऑप्शन था, तो ट्रेंडिंग सेक्शन को ऊपर रख के और एक नया सेक्शन जोड़ दिया यूट्यूब शॉर्ट्स का। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट ना बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेकार लगा। पर्सनली मुझे ये अपडेट बहुत ही बढ़िया लगा। अब ये कैसे लगा वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए आपको लेके चलते हैं अपने यूट्यूब में और दिखाते हैं वो बेहतरीन 5 अपडेट जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अपडेट है वो है शॉर्ट्स का। YouTube शॉर्ट्स का कोई सेक्शन नहीं था, ये आपके होम स्क्रीन पे आता था। बट अब क्या किया है, अगर आपको YouTube शॉर्ट्स यानी छोटे छोटे 30 सेकंड 1 मिनट तक का वीडियो देखना है तो उसके लिए एक अलग सा सेक्शन जोड़ दिया है। ये बहुत ही बढ़िया है। पहले आपको मिक्स हो जाता था वीडियो, अब आपको अगर शॉर्ट्स देखना है तो आप सेक्शन में YouTube शॉर्ट्स के सेक्शन में जाके YouTube शॉर्ट्स देख सकते हैं। पर यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन है ही, और फ्रेंड्स ट्रेंडिंग सेक्शन जो पहले नीचे था उसे उठा करके ऊपर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें कोई फीचर हटाया नहीं बल्कि शॉर्ट्स का ऐड ही किया है। दूसरा अपडेट जो है, अपने आइकॉन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम वॉच का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको एक ग्राफ दिखेगा जिसमें ये बताया जाता है कि आप पर डे यानी आप दिन में जो है कितना घंटा यूट्यूब पे टाइम वेस्ट किए हैं यानी यूट्यूब कितना घंटा देखे हैं। उसके नीचे आपको एक रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप ये टाइम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको उसके बाद भी कुछ काम करना है तो आपको सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे तक जो है आपको यूट्यूब देखना है, बट आप देखते रहते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। ऐसे में आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि हमको आधे घंटे के बाद नोटिफाई किया जाए, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। ये फीचर्स पहले नहीं था, अब ऐड हुआ है, ये भी बढ़िया फीचर्स हैं। इसके बाद आपको लेके चलते हैं तीसरे अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स, तीसरा अपडेट ये है, यहाँ पे जैसे आप आइकन वाले पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न इनको का एक ऑप्शन मिलता है। तो ये टर्न इनको क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम टर्न ऑन इनको करते हैं उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आइकन जो था आपका हट चुका है और यहाँ पे जो है खाली खाली आ गया। अगर आप इस मोड में जो है वीडियो देखते हैं तो आपका हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड नहीं होता, यानी बहुत सारे ऐसे वीडियो होता है जो 18 से प्लस लोग देख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हिस्ट्री ना रिकॉर्ड हो तो फ्रेंड्स आप इस मोड में आकर के देख सकते हैं। आपको लेके चलते हैं चौथे अपडेट की ओर। तो जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वॉच इन VR। ये भी फीचर्स ऐड हुआ है, हालांकि इसका ज़्यादा यूज नहीं है। एक बार चलते देखते हैं VR मोड क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं VR मोड में जो आप जैसे जैसे फ़ोन को रोटेट कीजिएगा उस हिसाब से जो है आपका वीडियो अप डाउन ऐसे होता रहेगा। तो ये उतना यूजेबल नहीं है, बट ये भी फीचर्स नया ऐड हुआ है। अब हम बात करेंगे पाँचवें और सबसे लास्ट अपडेट के बारे में। तो पांचवा जो अपडेट है उसे देखने के लिए आपको अपने आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉच ऑन TV। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन पहले नहीं था, बाद में अभी ऐड हुआ है। इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने यूट्यूब को वाईफाई के थ्रू अपने TV से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर ऐड हुआ है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। इस बीच में बहुत ही ज़्यादा अपडेट हुआ है। जो मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट अपडेट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको इन 5 अपडेट में से कौन सा अपडेट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं एक नए से वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।